हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉगिंग में मैं अपने कॉलेज का एग्जीबिशन जो लगा हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि एग्जीबिशन हॉल किस तरीके का है, BHU का और विजुअल आर्ट फैकल्टी का, और क्या क्या चीज़ें लगी हुई एग्जीबिशन हॉल में, सारी पेंटिंग्स, जो भी फोटोग्राफी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि वहाँ है एंट्रेंस गेट, ठीक है, वहाँ से एंट्री होती है, और जहाँ पे ये जो ऊपर से बना हुआ है घास की तरह डिज़ाइन किया हुआ है वो है फ्रंट गेट अंदर जाने का। और आप इधर से सीधे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा आपका एग्जीबिशन हॉल। यहाँ पे लिखा हुआ है महामना कला वीथिका, ठीक है, महामना आर्ट गैलरी। एक ये एग्जीबिशन हॉल है और एक आगे भी एग्जीबिशन हॉल है। तो सबसे पहले इस एग्जीबिशन हॉल में एंट्री करते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये पूरा, ये सारी पेंटिंग्स लगी है, और ये सारी पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, थीम बेस्ड वर्क जो है वो सारे प्रोफेसर्स के हैं, कॉलेज के प्रोफेसर के, कोई स्टूडेंट के नहीं हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से व्यूज़ है, और अब मैं आपको एक एक करके सारी पेंटिंग सामने से दिखाती हूँ। ऑयल कलर में, एक्रेलिक कलर में, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम यूनिक काम है ना, थीम बेस्ड वर्क है। और इसमें आप देख सकते हो मुझे एनिमल नज़र आ रहे हैं यहाँ से, ये दोनों में, ऊपर में, तो ये एकदम थीम बेस्ड काम है, अलग है, ये फोटोग्राफी है। ये प्रिंट मेकिंग का वर्क है, नाम है विजय भगत सर। बहुत ही बेहतरीन, ये भी प्रिंट मेकिंग का वर्क है। दिस इज ऑल्सो थीम बेस्ड वर्क, और यहाँ पेन वर्क। ये सारी फोटोग्राफी है, घाट की फोटोग्राफी है सारी, और ये सबसे बेहतरीन विश्वनाथ मंदिर जो कि गदोलिया साइड है, दशाश्वमेध घाट के पास। आप लोग जब भी बनारस आए यहाँ पे जरूर घूमिएगा। तो ये रहा पूरी पेंटिंग, और ये कुछ स्कल्पचर। एकदम अलग वर्क लग रहा है ये सारा, और यहाँ पे देखिए खड़ा हूँ, और ये क्या मैसेज दे रहा है ये वही बता सकते हैं जिन्होंने बनाया है अच्छे तरीके से, और आगे भी स्कल्पचर लगा है। ये मेटल पे काम किया गया है ना,
ये मेटल वर्क है, यहाँ पे देखिए बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत टफ वर्क है ये। मेटल को पिघला के उसमें से डिज़ाइन डालना, तो देख रहे हैं आप। और यहाँ पे है स्कल्पचर। और एक चीज़ यहाँ पे दिखाओ, सबसे यूनिक काम, सबसे हटके है ना, समझ तो नहीं आ रहा है कि इसमें थीम क्या है, ये वही बताएंगे जिन्होंने, जो सर ने बनाया है। तो मैं बस आपको शेयर कर रही हूँ, देख सकते हैं आप, ये पूरा कुछ इस तरीके से है। तो ये आपका पूरा, ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जीबिशन हॉल। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ सेकेंड एग्जीबिशन हॉल में। तो अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ और जा रही हूँ सेकेंड एग्जीबिशन हॉल, जो इसके जस्ट बगल में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दृश्य कला संकाय प्रदर्शनी कक्ष एवं व्याख्यान कक्ष का उद्घाटन डॉक्टर लालजी सिंह। ये महामना, पहले यहाँ पे पूजा की जाती है, माला अर्पण किया जाता है और यहाँ पे हमेशा रंगोली बना रहेगा। मिनिएचर पेंटिंग, यहाँ पे देखिए नाम लिखा रहता है, जिनकी पेंटिंग हो गया शंकर मिश्रा। क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पर थीम है। पे देखिए टेक्सटाइल का, कपड़े पे काम किया गया है। यहाँ पे सिर्फ स्केच पोर्ट्रेट, फेस ड्राइंग को पोर्ट्रेट कहते हैं और यहाँ पे सिर्फ पोर्ट्रेट का पेंटिंग्स लगा हुआ है सारा। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन कम डिटेलिंग में बहुत अच्छा वर्क देख सकते हो आप, स्केचिंग लाइक स्केचिंग। और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ सेंचुरी ईयर 1920 काशी हिंदू विश्वविद्यालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विजुअल आइडेंटिटी। पेंटिंग यहाँ पे नाम लिखा है सुनील सर की, ये पेंटिंग है और लुक इट।
अलग। यहाँ पे आपको नजदीक से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें बोरा दिख रहा है, कपड़ा दिख रहा है, कागज दिख रहा है ना, एकदम अलग। ये नया सर का काम है, म्यूरल। एंड अप स्कल्पचर वर्क, पत्थर को काट के। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को पत्थर वाले वर्क दिखाए थे, स्कल्पचर डिपार्टमेंट का है ये काम। अमरीश सर का है ये वर्क। तो देखा आपने, ये सारे वर्क है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और अगर आप भी इस कॉलेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये बहुत गर्व की बात है। इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, पढ़िए, और ये ऐसे एग्जीबिशन आपको भी लगाने का मौका मिलेगा। सारे स्टूडेंट को मिलता है, टीचर्स को मिलता है, प्रोफेसर को मिलता है, तो आपको भी मिलेगा। तो चलिए, आई होप कि आपको आज का ब्लॉगिंग बहुत पसंद आया हो। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉगिंग कैसा लगा। और आप, तो ये रहा पूरा आज का जो भी एग्जीबिशन था, और आज का ब्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको आज का ब्लॉगिंग बहुत पसंद आया हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉगिंग कैसा लगा, और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉगिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।